जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हो कि आपके कैमरा के नीचे एक अच्छा सा जो है नोटिफिकेशन बन के आ चुका है। तो इसकी जो है ट्रिक मैं आज आपको बताने लगा कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप जो है थोड़ा बहुत ये सेटिंग्स के साथ खेलोगे, ये एप्लीकेशन के साथ, तो आप बहुत ही अच्छा जो है आपका नोटिफिकेशन बना सकते हो यहाँ पे, जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है। जैसे कि आप लोग सिंपली देख सकते हो, मैंने RGB रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप सिंगल कलर वाला भी रख सकते हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो गाइज वो एप्लीकेशन आपको मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे ही आप ओपन करोगे आप देख सकते हो कि मैंने पहले इसकी सेटिंग कर ली है, बट मैं अभी आपको बताने वाला कि मैंने क्या सेटिंग की वो ही आपको करनी है, क्योंकि आपका जो नॉच होता है, अभी हर एक आप फोन का नॉच है वो अलग होता है, राइट। तो आपका फोन का नॉच, अभी मेरा वाला फोन का नॉच देख सकते हो टॉप एकदम मिडल में, आपका फोन का नॉच जो है राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, तो वो उसके हिसाब से आपको इसको सेट करना पड़ेगा। बट जो सेटिंग्स में आपको बताने वाला हूं वो आप अगर यूज करोगे तो आप इस तरह से जो है कलर और सारी चीजें जो है कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जो है सेटिंग में जाते हो, यहाँ पे आने के बाद आपको अनेबल एज लाइटिंग करनी है, एडजस्ट मैनुअली पे रख के आपको जो है मैनुअली उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट किया है। उसी के साथ साथ जो है अनेबल नॉच सपोर्ट करना है, उसके बाद जो है एडजस्ट मैनुअली, तो देख सकते हो नीचे आपको जो है नॉच टाइप भी मिलेगा, तो नॉच टाइप आपको रखना है वी, मतलब मैंने यहाँ पे वी रखा है। अगर आपका यू नॉच रहेगा तो आपको यू रखना है, अगर आपका पॉपअप सेल्फी कैमरा है तो फिर तो इसका कोई संबंध ही नहीं आता, फिर आपको स्क्रीन पे ही रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो जैसे मैंने सेटिंग्स बताया है, अगर आपका जो है नॉच ऐसा है मेरे जैसा, तो आप ये सारी सेटिंग्स को फॉलो करो और इस तरह से आप उसको बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं फ्लैशलाइट में इसको जो है रेनबो मोड पे रखा हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आपको एक भी कलर कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक ही कलर अभी वो जो है जल रहा है, जबकि आप जो है रेनबो करोगे तो ये धीरे धीरे चेंज होते जाएगा, और उसका ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हो। जैसे भी कोई भी आपको नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप के ऊपर, वरना कोई भी नोटिफिकेशन मैसेज के ऊपर आएगा, तो आपका जो है ये आपका जो है लाइट जलेगी, तो आपको जो है नॉर्मली दूसरे लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको नोटिफिकेशन पता चलना चाहिए। सो आई होप गाइज आप लोगों को जो है ये एप्लीकेशन अच्छा लगा होगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वेट करते रहिएगा, मैं आपके लिए जो है ऐसी वीडियोज लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हो आपको अगली वीडियो में, बाय।